अस्सलाम वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूँ सिकलैन जिमल और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड। पाकिस्तान अफेयर्स के और बेसिकली करंट अफेयर्स के जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक है जी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का। आपको बताया कि पाकिस्तान से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और हर दफ़ा अच्छा लाहक रहता है हमें कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया हुआ है, तो पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाना चाहिए, आईएमएफ कर्ज़े दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये सारा कुछ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बेसिकली पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे नज़र डालेंगे कि पाकिस्तान की मेजर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स कौन कौन सी हैं पिछले साल के लिहाज से, और इस वक्त जो हम उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल या ये 2023 में हम कितनी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स करेंगे उसको देखेंगे। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने मेरी बात नहीं माननी तो आप इनकी बात मान लें। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा कर लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा। तो इनकी बात मान के आप लाइक और शेयर कीजिए और हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले पाकिस्तान की इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स देखने से पहले मैं आपको एक दो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, करंट अकाउंट डेफिसिट का और इसी तरह ट्रेड डेफिसिट का। करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट में आता है जनाब आपके एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स और रेमिटेंसेस। अब बात यह है कि एक्सपोर्ट्स जो आप करते हैं उससे भी आपको डॉलर इनवर्ड फ्लो होता हुआ नज़र आता है। सिमिलरली रेमिटेंसेस जो होती हैं वर्कर्स जो या फिर आपके जो रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, दुबई, शारजा, अपना कतर में, सऊदी अरेबिया में, कनाडा में, अमेरिका में, जहाँ से भी है, तो वो रेमिटेंसेस भेजते हैं कि जनाब अपने प्यारे जो पाकिस्तानी भाई हैं या पाकिस्तानी फैमिलीज हैं उनको उनके घर पे पैसे भेजे जाते हैं, वो भी डॉलर्स में आते हैं। ठीक है जी, तो ये दोनों इनवर्ड फ्लो ऑफ डॉलर्स जो हैं इनको हम पॉजिटिव रखते हैं, और जो इधर से बाहर डॉलर जाना है वो एक्चुअली हमें पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट्स। जो हमने इम्पोर्ट्स किए हैं उनके डॉलर हमें बाहर की साइड पे करने पड़ेंगे जिन जिनसे हमने खरीदा है, सो उसको हम नेगेटिव लिखते हैं। तो करंट अकाउंट की समझ आ गई आपको, सिंपलर सा टर्म्स में समझा रहा हूँ। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना चाहते हैं तो फिर आपको अलहदा से इसके ऊपर पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन एक आम रीडर के लिए जिसने पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स वगैरह का पेपर देना है या किसी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो उनको इसमें इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सो पॉजिटिव और नेगेटिव मैंने आपको समझा दिया जी, एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंसेस माइनस इम्पोर्ट्स, तो ये आपका करंट अकाउंट होता है। अगर इस सारे की वैल्यू जो है ये आप एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को ऐड करके उसमें से इम्पोर्ट्स माइनस करते हैं तो अगर इसकी वैल्यू जनाब पॉजिटिव आती है तो आपका करंट अकाउंट कहलाता है जी कि करंट अकाउंट सरप्लस है, यानी कि आप ट्रेड और रेमिटेंसेस की वजह से अपने खजाने में पैसा जमा करवा रहे हैं, आपको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन अगर वो नेगेटिव में है यानी कि इम्पोर्ट्स की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट्स प्लस रेमिटेंसेस, जैसे कि पाकिस्तान में आजकल चल रहा है, पिछले काफ़ी महीनों से चल रहा है, तो फिर क्या होता है जी करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाता है, कि यानी कि वो आपके जो करंट अकाउंट है उसके ऊपर बोझ पड़ता रहता है और अल्टीमेटली आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो बाहर भेजते जाते हैं, क्योंकि आप पे ज़्यादा कर रहे हैं, कमा आप कम रहे हैं, तो जब आपके पास बिल्कुल थोड़े पैसे रह जाते हैं तो फिर आप कहते हैं जी कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बहुत थोड़े हैं एंड नाउ इट इज़ टाइम टू गो टू द आईएमएफ। तो इसी से रिलेटेड एक और टर्म है जी ट्रेड डेफिसिट जिसको आप कहते हैं, उसमें सिर्फ फ़र्क यह है कि रेमिटेंसेज जो है वो नहीं होंगी, यानी कि ट्रेड आपकी होती है इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स के लिहाज से, तो एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स आप करते हैं, अगर इसका जवाब आपके पास आता है पॉजिटिव में तो आपका ट्रेड सरप्लस है। ठीक है जी, और अगर एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स के साथ आपका जवाब नेगेटिव में आ रहा है तो ट्रेड डेफिसिट है। अमेरिका को भी एक यही परेशानी थी चाइना के साथ ट्रेड में कि जनाब वो ट्रेड डेफिसिट में जा रहे थे या ट्रेड सरप्लसेस चाइना के ज़्यादा थे विद अमेरिका, सो अमेरिका वांटेड टू रैशनलाइज द इक्वेशन या फिर इक्वेलिटी या फिर इक्विटी उसमें वो लाना चाह रहे थे। ठीक है जी, सो ये दो टर्म्स आपने पढ़ ली और सुन ली, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा। तीसरा है इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस कब आता है कि जब आप इंपोर्ट्स कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स भी आप कर रहे हैं और रेमिटेंसेस भी हैं, बट एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस को मिला के भी आपके पास इतने पैसे नहीं बन रहे कि आप इंपोर्ट्स के खर्चे अदा कर सकें और आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि आपके सेंट्रल बैंक में पड़े होते हैं वो भी थोड़े हैं, तो वहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है, भाई हमारे पास इतने डॉलर ही नहीं है कि हम आपको जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं उनका पे ऑफ कर सकें, एंड दैट इज़ वेन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस अकर्स।
और उसी के सिलसिले में फिर IMF वगैरह के पास या फिर दूसरे बाइलेटरल या मल्टीलेटरल डोनर्स के पास हमें जाना पड़ता है, लेंडर्स के पास जाना पड़ता है कि जी हमें थोड़ा सा लोन दे दे, हमने किसी के पैसे उधार लिए हुए हैं या पैसे चुकाने हैं तो हमें थोड़ा सा उधार दे दे। उसकी वजह से फिर आपको पता है जी डेट हमारा बढ़ता रहता है। ये टर्म्स होगी। अब आते हैं जी पाकिस्तान की मेजर इम्पोर्ट्स पे और एक्सपोर्ट्स पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इम्पोर्ट्स। ऑयल एंड गैस जनाब पाकिस्तान इंपोर्ट करता है 34%। पाकिस्तान की एनर्जी नीड्स के लिए हम लोग ऑयल एंड गैस इंपोर्ट करते हैं, लाइक फॉर एनर्जी जनरेशन फ्रॉम पावर प्लांट्स। बहुत ज़्यादा आपको पता है IPPs जो है इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, वो ऑयल एंड गैस के ऊपर वर्क करते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, सारा कुछ है, और फैक्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस के ऊपर रिलाई करती हैं। सो 34% ऑफ पाकिस्तान इम्पोर्ट्स आर एक्चुअली ऑयल एंड गैस। देन एग्री केमिकल्स। एग्री केमिकल्स मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड केमिकल्स हैं, वो पेस्टिसाइड्स हों, हर्बिसाइड्स हों या फर्टिलाइजर्स हों, कुछ भी आप मंगवाते हैं वो एग्री केमिकल्स की कैटेगरी में आता है। ये 16% है जी इम्पोर्ट का। सिमिलरली टेक्सटाइल रिलेटेड, टेक्सटाइल हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो उसके हवाले से भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। 8% वो बनता है जी हमारे इम्पोर्ट बिल का। फिर जी मशीनरी 8%, स्टील एंड एल्यूमिनियम 7%। स्टील और एल्यूमिनियम की हमें ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि हमने बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, सड़कें बनानी है और दूसरे स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाने हैं, तो उनके लिए इनकी ज़रूरत होती है। एडिबल ऑयल्स आपको पता है जो खाने के लिए आप घी वगैरह इस्तेमाल करते हैं या ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, ऑलिव ऑयल है या फिर कोई भी दूसरा ऑयल है एडिबल ऑयल, उनकी भी इम्पोर्ट्स हमारा 7% ऑफ द पाकिस्तान इम्पोर्ट वैल्यू बनती है। व्हीकल्स जनाब 3%। जितना आप लोग चीखते हैं ना जी कि गाड़ियाँ जो हैं वो एक लग्जरी है या फिर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्ट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की ओवरऑल इम्पोर्ट्स में से सिर्फ 3% है व्हीकल्स। अगर आप मतलब ये है कि अगर आप जो ऑयल एंड गैस है उसके ऊपर रिलायंस कम कर देते हैं या फिर उससे आपका इम्पोर्ट बिल जो है ना ड्रेस्टिकली कम होता है, तो व्हीकल्स को बैन ना करने से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। फिर जी व्हीट यानी कि गंदम, जब हमारा अपने घर से या फिर पाकिस्तान के अंदर से एग्रीकल्चर से व्हीट की डिमांड पूरी नहीं हो रही होती आटा वगैरह बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं व्हीट इंपोर्ट करते हैं, तो वो तकरीबन 2% बनता है। फिर है जी टी। तो टी के ऊपर आपको पता है कि सरकार साहब ने, ये पता नहीं किसी और ने बयान दिया था कि जी चाय का 1 कप कम कर दें, चाय से इतना ज़्यादा इम्पोर्ट बिल पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1% है पूरे पाकिस्तान के इम्पोर्ट्स का। तो बेचारे हमारी ज़िंदगी में एक ही खुशी है चाय की, तो वो भी क्यों आप छीन रहे हैं। ठीक है जी। फिर है जी टेलीकॉम्स यानी कि टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड इक्विपमेंट जो है वो भी 1% ऑफ इम्पोर्ट्स बनता है। और भी छोटे छोटे हेडर्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये टोटल ऑलमोस्ट 87% बनता है, बाकी 12-13% जो है वो पॉइंट्स में जाके आ जाते हैं सेक्टर्स। तो द पॉइंट इज कि ये मेन इम्पोर्ट प्रोफाइल है पाकिस्तान की। ठीक है जी। अब आते हैं जी एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान पे। टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जनाब हम एक्सपोर्ट करते हैं 61%, यानी कि 61% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान आर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। सेकेंडली राइस, हम लोग चावल काश्त करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्लड इरीगेशन होती है, उसे पानी भी ज़ाया होता है, लेकिन उससे हम 7% जो है ना अपनी एक्सपोर्ट्स करते हैं। फिर है जी स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल गुड्स, जिसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा फख्र करते हैं, सियालकोट से सर्जिकल गुड्स और स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत बड़ा सेक्टर है। तो 5% पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का जनाब वो है स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल गुड्स। फिर लेदर एंड फुटवेयर है जी 4%, फिर फार्मा एंड केमिकल्स 5%, फिर सीमेंट है जी के 1%, हम सीमेंट भी एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज़ को। तो ये तो होगी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रोफाइल। अब देखते हैं जी कि पाकिस्तान की जो 2022 में एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स थी वो किस तरह थी और 2023 में उनकी क्या प्रोजेक्शन है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2022 में जनाब क्या था कि जी इंपोर्ट्स हमारी 81 बिलियन डॉलर थी, यानी कि 81 बिलियन डॉलर्स, और प्रोजेक्टेड 2023 के लिए हमारी जो इंपोर्ट्स हैं वो हैं 50 बिलियन डॉलर। दिस इज प्रिसाइजली बिकॉज वी हैव बैंड अ लॉट ऑफ आइटम्स फ्रॉम इंपोर्ट्स। हमने ऑयल वगैरह बैन नहीं किए या दूसरी चीज़ें बैन नहीं की, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें बैन दूर करके फिर अब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑलमोस्ट 50 बिलियन डॉलर हम इम्पोर्ट्स पे लगाएंगे इन 2023। इसी तरह एक्सपोर्ट्स हैं जी 2022 में 32 बिलियन डॉलर्स की हमने एक्सपोर्ट्स की थी, लेकिन 2023 में
वो 25 बिलियन डॉलर्स रह जाएंगी, ये भी एस्टिमेटेड है। दिस इज़ बिकॉज हम जब इम्पोर्ट्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा बैन कर रहे हैं, टैरिफ्स वगैरह लगा रहे हैं, तो उससे जो है हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी अफेक्ट होती है, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री जो कि फिनिश प्रोडक्ट्स वगैरह बाहर भेजती है, उसके लिए रॉ मटेरियल्स, उसके लिए जो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो हमें इम्पोर्ट करनी पड़ती है, उनके ऊपर दोबारा प्रोसेसिंग करके हम उनको फर्निश करके बाहर दोबारा भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सो उसकी वजह से इम्पोर्ट्स पे बैन लगाने की वजह से हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर भी फर्क पड़ा है। और रेमिटेंसेज की बात कर लेते हैं जी, वर्कर रेमिटेंसेज 2022 में जनाब 31 बिलियन डॉलर रही थी, लेकिन 2023 में 26 बिलियन डॉलर रहने का इम्कान है। उसकी एक रीज़न इमरान खान की गवर्नमेंट जाना भी है, क्योंकि इमरान खान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग थे उनको सपोर्ट करता था, उनके वोटिंग राइट्स थे, सारा कुछ था। सो ही कॉल्ड देम लाइक द पावर बिहाइंड पाकिस्तान। सो उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया गया था पिछली हुकूमत में। इन कंट्रास्ट जो नई हुकूमत आई है ये कोई उस तरह से सपोर्टिव नहीं है, या फिर जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं वो उस तरह से इस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट या फिर बिलीव नहीं करते। सो रेमिटेंसेस भी थोड़ी सी कम हो जाएंगी। तो अगर आप इन दोनों फिगर्स को देखते हैं 2023 में, तो इम्पोर्ट्स हम 50 बिलियन डॉलर की करेंगे और 25 बिलियन डॉलर हम एक्सपोर्ट्स करेंगे, तो इधर से ही हमारा ट्रेड डेफिसिट ऑलमोस्ट 25 बिलियन डॉलर का निकल आएगा। तो इस ट्रेड डेफिसिट को कवर करने के लिए ऑलमोस्ट 26 बिलियन डॉलर की अगर हमारी रेमिटेंसेस होती हैं तो वो इसको कवर कर लेंगी। दैट मीन्स कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो ऐड नहीं होंगे, ठीक है जी। हमारी जस्ट जो रेमिटेंसेज हैं दे विल सिंपली बी यूज टू पे ऑफ द डिफरेंशियल बिटवीन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, जिसको हम ट्रेड डेफिसिट कह रहे हैं। अदरवाइज हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं जो सेंट्रल बैंक के पास होंगे वो तकरीबन सेम लेवल पे ही रहेंगे, तो उनको बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि ज़्यादा अर्न करें, यानी कि ज़्यादा एक्सपोर्ट्स की तरफ ज़्यादा जाएँ, इम्पोर्ट्स कम करें। एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये पॉलिसीज होती हैं। इकॉनमी जो आप लोग पढ़ते हैं या फिर इकॉनमी रिलेटेड न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं, उनमें आपने पहले भी ये पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। तो ये थी जी इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जी पाकिस्तान क्या डिफॉल्ट कर सकता है, या फिर अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है तो उससे हमें किस तरह के मनाजिर देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।